गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं अमी अंतरध्वनि से। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रज्ञेश वछरजानी और डॉक्टर धीरेन रावल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रज्ञेश वछरजानी एक फैमिली फिजिशियन है, वो एक जॉइंट सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से है। वो पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के, और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट है, दैट आई अग्री प्रज्ञेश सर। और डॉक्टर धीरेन रावल है, वो एक रूमेटोलॉजिस्ट है, उन्होंने उनका MBBS रशिया से किया है, मेडिसिन जसलोक हॉस्पिटल से की है, और DNB रूमेटोलॉजी मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव से की है। वी वेलकम यू बोथ। प्रज्ञेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू अंतध्वनि फॉर प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी। ये मैं दूसरी बार इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस पे। सी, जानते हैं कि काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे अगल बगल में होते हैं इस बीमारी के, लेकिन अवेयरनेस अभी भी थोड़ा ट्राई करने के बाद भी कम है, तो ये काफ़ी सारे छोटे मोटे इश्यूज आते हैं। तो आज का डिस्कशन हमारा फोकस रहेगा कि कैसे इसको जल्दी पकड़ लिया जाए और लॉन्ग टर्म में क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छा रखा जाए। अगर मैं मेरी फैमिली प्रैक्टिस की बात करूं, तो वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो है बैकिक, कमर में दर्द। सबसे ज़्यादा पेशेंट, मतलब काफ़ी सारे पेशेंट, वी कैन से कि अराउंड 10-15% लोग जो हमारे पास आते हैं अलग अलग एज के, वो बैकिक के लिए ही आते हैं। सो मेरे जैसे फैमिली फिजिशियन के लिए बैकिक वन ऑफ द कॉमन सिम्टम है जिसके लिए लोग हमारे पास आते हैं। अब लोग बोलते हैं यार बैकिक तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हर छोटे मोटे बैकिक के लिए थोड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि बैकिक अगर आम आदमी की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और हार्डली आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसको कभी भी एक बार कमर में दर्द नहीं हुआ। बहुत कॉमन चीज़ है ये, आम जैसे बुखार आया, ये सर्दी खांसी वायरल हो गया, ऐसे ही ये बैकिक का भी इंसिडेंस इतना ही ज़्यादा है। और जैसे जैसे अभी ये टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता जा रहा है, अभी ये वर्क फ्रॉम होम हो गया या लंबा अरसा बैठना हो गया, ये डिवाइसेस वगैरह यूज़ करना हो गया, बैकिक वगैरह बहुत बढ़ने लगे हैं। तो कैसे जाना जाए कि ये बैकिक हमारा है, ये रूटीन वाला है कि ये एंकाइलोजिंग हो सकता है? तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हम लोग जो डिफाइन करते हैं बैकिक को, दो तरीके से देखते हैं। एक एक्यूट, एक्यूट माने अभी इंस्टेंटेनियसली हुआ, जो था ही नहीं पहले और अचानक से चालू हो गया और इतना पेन करता है कि आपका डे टू डे मूवमेंट मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद कोई छोटा मोटा दवाई आपने लिया, थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन फिर भी आपके काम में परेशानी, वो बाधा वो डाले रखता है और आपको परेशान करता है। कभी कभार लोग चल नहीं पाते, इतना मुश्किल होता है कि बैठ नहीं पाते, सोने में मुश्किल आती है, उस जगह पे तो दर्द होता ही होता है, लेकिन कभी कभार लगता है कि वो पाँव की नसों की नीचे, वो कमर से लेके पाँव में भी जाता है, कभी कभार झुनझुनाहट सा पाँव में फैलता है, जिसको हमारी भाषा में हम एक्यूट बैकिक बोलते हैं। एक्यूट माने जो किसी कारण से हुआ है। अब एक्यूट बैकिक क्यों होता है, कुछ चीज़ लग गया है, कोई उठने बैठने में कोई गड़बड़ हो गई है, या किसी भी कारण से ये बैकिक हुआ है। अब क्या चीज़ जो बताती है कि ये बैकिक एक्यूट है लेकिन रूटीन नहीं है, आपको फैमिली डॉक्टर के पास जाना है? क्या साइन सिम्टम्स ऐसे हैं जो बताएंगे आपको कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे? नंबर वन, द पेन होता है वो इंक्रीजिंग होता है, मतलब धीरे धीरे पेन की मात्रा बढ़ती है, आपका रूटीन, डे टू डे रूटीन है वो हैम्पर हो जाता है, आप अपना रूटीन काम नहीं कर सकते, और जो भी आपने छोटा मोटा पेन का दवाई लिया है दैट इज़ नॉट हेल्पिंग, वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है पेन रिलीव करने में। उस टाइम पे एटलीस्ट आपको आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। इससे AS का कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक्यूट बैकिक है जैसे मैंने बताया, जो ये मस्कुलर स्केलेटल कंडीशन हम कहते हैं कि कुछ मसल पुल हो गया या कोई किसी जगह पर सूजन आ गई, उससे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रेड फ्लैग्स हम बोलते हैं कि मूवमेंट में पेन बहुत होता है, चलने में ये पेन या वो पेन नीचे पांव की ओर जाता है, नसें आपको लगती है कि नसें खींचती हैं, तो ये रेड फ्लैग है इंक्रीजिंग पेन। इसमें एटलीस्ट आपको फैमिली डॉक्टर के पास जाके आपको अपना इवेल्युएशन कराना चाहिए और अकॉर्डिंगली एडवाइस करके ट्रीटमेंट करानी चाहिए। अब AS जो हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज जुड़े हुए हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस, कैसे पेशेंट में हम सस्पेक्ट करते हैं कि एंकाइलोजिंग हो सकता है, बींग ए पेशेंट आप क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे कि लग तो लगता है कि ये चीज़ अगर मुझे है तो मुझे एंकाइलोजिंग हो सकता है? एक तो पहला, आपका जो बैकिक है वो करीब अंदाजन 2-3 महीने से ज़्यादा है, 3 महीने से ज़्यादा है, कि 3 महीने से ऑन गोइंग पेन है, एक ही जगह पे पेन है,
और मोस्ट प्रोबेबली जो कॉमनली देखा जाता है काफ़ी सारे पेशेंट में, वो लोअर बैक में पेन होता है और पेन के साथ स्टिफनेस होती है, और नॉर्मल जो पेन होता है मस्कुलर पेन, जो इन्फ्लेमेशन मतलब जगह पे सूजन आने से होता है, वो पेन रेस्ट करने से कम हो जाता है। लेकिन एंकाइलोजिंग का पेन होता है वो रेस्ट में हेल्प नहीं करता, रेस्ट उसमें हेल्प नहीं करता। ऑन द कंट्ररी जितना आप मूवमेंट करते हैं, जितना छोटा मोटा मूवमेंट चालू करते हैं, उससे आपका पेन रिलीव हो जाता है। मतलब इट्स अदर वे राउंड, एक्यूट बैकएक में मूवमेंट आपका पेन बढ़ाती है, और एंकाइलोजिंग वाला पेन है जो लंबे अरसे से चल रहा है उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, आपको लगता है कि सुबह में किसी ने कोई चीज़ पकड़ लिया हो, स्टिफ हो गया आपका लोअर बैक। और जैसे जैसे आप छोटा मोटा मूवमेंट चालू करते हैं आपका पेन ईज होना चालू हो जाता है, दैट इज सस्पिशियस ऑफ एंकाइलोजिंग, कि आपको एंकाइलोजिंग हो सकता है। उसके साथ में छोटे मोटे अलग अलग मैनिफेस्टेशन जैसे देखते हैं, कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन जो आई में है, आई में सूजन रेडनेस वगैरह आती है। नॉर्मली इट इज पिक्ड अप बाय ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, लेकिन कभी कभार रिकरेंट होता है तो उसको उससे भी पिकअप कर सकते हैं। तो जो पेन 3 महीने से ज़्यादा है, लोअर बैक में है, आपको ज़्यादा स्टिफनेस देता है और एक्सरसाइज से इम्प्रूव होता है, वो एंकाइलोजिंग हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका के फैमिली फिजिशियन की विजिट करिए, और आपका फैमिली फिजिशियन को भी लगेगा कि शॉर्ट कोर्स उसने एनाल्जेसिक मतलब आपको पेन या सूजन कम करने की दवाई दी, लेकिन वो वापस आ रहा है, वो जान नहीं रहा है। इन दैट केस जैसे डॉक्टर धीरेन सर हमारे साथ हैं, तो फिर आपको वो रूमेटोलॉजिस्ट के पास आपको वो रेफर किया जाएगा फर्दर इवैल्यूएशन एंड डायग्नोसिस कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि एंकाइलोजिंग सर बताएंगे डिटेल में, लेकिन अगर उसको हम जल्दी आइडेंटिफाई करें, और जैसे बताया ये यंग लोगों की बीमारी है, 40 साल के नीचे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ताकि फैमिली में किसी को है या कोई इंजरी का स्पेसिफिक आपका हिस्ट्री नहीं है कि जिसके बाद ये पेन चालू हुआ, मतलब ऐसा पेन कि जिसमें आप रिलेट नहीं कर पाते कि ये पेन मुझे किस कारण चालू हुआ। इंजरी या एक्यूट पेन में आपको पता होता है कि मैंने कल कोई वजन उठाया, कोई चीज़ को धक्का दिया या मैं गिर गया हूँ, तो इंसीडियस ऑनसेट होता है, मतलब सडनली ये पेन धीरे धीरे चालू होता है और कीप ऑन गोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो एंकाइलोजिंग सस्पेक्ट करना चाहिए, और आपका फैमिली फिजिशियन आपको रूमेटोलॉजिस्ट के बाद वापस भेजेगा। अब रूमेटोलॉजिस्ट जो हैं इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनका एक इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल वगैरह है, लेकिन मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर धीरेन सर को कि सर उसके बारे में पहले डिटेल में बताएंगे, फिर उसके बारे में फिर आगे बात करें। धीरेन सर प्लीज। सर अनम्यूट योर सेल्फ। धीरेन सर वी कैन नॉट हियर यू। यस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एमजी एंड अंतर्ध्वनि फॉर दिस प्लेटफॉर्म, थैंक यू प्रज्ञेश सर फॉर दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैक पेन। सो आई विल स्टार्ट माय टॉक। आज का जो टॉपिक है वो है कि जब बैक पेन का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम आगे क्या करते हैं। जब भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास तो पहला स्टेप जो हमारा है दैट इज टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। क्योंकि जब भी पेशेंट आता है कोई बैक पेन के साथ, मान लो किसी को बैक पेन हुआ है 10-15 दिन से और किसी ने करवा दिया उनका HLA-B27, तो वो आ गया पॉजिटिव, तो पेशेंट बोलते हैं कि हमको AS हो गया है, या कभी ऐसा बोलते हैं कि हमको HLA-B27 वाला बीमारी हो गया है, तो पहले तो ये कंफर्म करना पड़ता है कि एक्चुअली AS है या कुछ और कारण है। तो हाउ वी कन्फर्म, हम कन्फर्म कैसे करते हैं, तो वो मेनली होता है हिस्ट्री। जैसे डॉक्टर प्रज्ञेश सर ने बताया हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि AS के बैक पेन के पर्टिकुलर लक्षण होते हैं, अगर वो है तो आपको ये इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है। उसके बाद हम करते हैं पेशेंट का एग्जामिनेशन, जिसपे हम फाइंडिंग कंफर्म करते हैं कि ये बटक पेन, बटक का जॉइंट है वहां से पेन आता है या कहीं और से आता है, मसल पेन है या कुछ लगा हुआ था पहले उसका पेन है या कुछ फ्रैक्चर था, क्रैक था, तो वी कन्फर्म बाय एग्जामिनेशन। और तीसरी चीज है जो हम करते हैं वो है इमेजिंग, मतलब इमेजिंग में हम पहले तो करते हैं एक्सरे और उसके बाद हम करते हैं MRI जरूर पड़े तो। तो ये जस्ट एक फिगर है जो लाल लाल सर्कल दिख रहा है आपको, वही जॉइंट है जिसमें AS पे शुरुआत होती है, इसको बोलते हैं बटक वाला जॉइंट या कूले का जॉइंट बोलते हैं इसको। तो शुरुआत बीमारी की यहाँ से होती है, तो एक्सरे पे हम पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग मिल जाए हमको। अगर हिस्ट्री है बैक पेन वाली जो सजेस्ट करती है इन्फ्लेमेटरी नेचर, एग्जामिनेशन में मिला हमको बैक पेन पे फाइंडिंग, और तीसरा होता है एक्सरे, तो इसमें आपका हो गया डायग्नोसिस कन्फर्म। इसके लिए HLA की जरूरत नहीं है, HLA-B27 कब करना है दैट इज ओनली फॉर अगर एक्सरे भी नहीं मिल रहा आपको और सिम्टम फिट हो रहे हैं
तब आप कर सकते हो जानने के लिए कि जींस है कि नहीं पेशेंट के अंदर। तो ये हो गया पहला स्टेप, वी कंफर्म द डायग्नोसिस बाय हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड एक्सरे। इसके बाद मेन काम आता है कि पेशेंट को वो समझाना पड़ता है कि एएस जो है एंकाइलोजिस स्पॉन्डिलोलाइसिस और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस ये दो अलग चीजें हैं। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जब पेशेंट शुरुआत में आता है तब बोलते हैं, और एएस जिसके नाम में ही मेंशन किया हुआ एंकाइलोजिंग मतलब कि फ्यूज हो जाना, हड्डियां जुड़ जाती है, हड्डियां मतलब कि यहाँ पे स्पॉन्डिलोलाइसिस मतलब कि वर्टेब्रा, आपकी रीढ़ की हड्डी के जो वर्टेब्रे होते हैं मन के वो जुड़ जाते हैं। तो एएस तो एक लास्ट स्टेज होता है ये सब बीमारियों का। अगर आप अर्ली स्टेज में आते हो मतलब कि 6 मंथ या विद इन 1 ईयर आप आते हो, तो आप लोग रहते हो ये वाले स्टेज में जब हड्डी आपकी जुड़ नहीं गई है, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रे। तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई बीमारियां आती है जो अल्टीमेटली अगर ट्रीटमेंट नहीं किया, फिजियोथेरेपी नहीं किया, तो कन्वर्ट होती है एएस में मतलब कि एंकाइलोजिंग। तो इसलिए जरूरी है जानना कि कौन से स्टेज रहते हैं। एक्चुअली कोई ऐसा कट ऑफ नहीं है कि अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट और लेट स्टेज, मगर अगर आप एक्सरे करेंगे, अगर एक्सरे में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं मतलब कि एक्सरे में कोई तरह के फाइंडिंग नहीं मिल रहे हैं और पेशेंट को टिपिकल बैक पेन है जो सजेस्ट कर रहा है कि पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बैक पेन है जो एएस का हो सकता है, तो इस स्टेज को बोलते हैं नॉन रेडियोलॉजिकल मतलब कि एनआर, या तो फिर प्री रेडियोलॉजिकल मतलब कि एक्सरे में चेंजेस आने से पहले का स्टेज। ये स्टेज पे अगर पेशेंट आता है तो इट्स वेरी गुड फॉर पेशेंट एंड डॉक्टर ऑल्सो कि यहाँ पे आप पेशेंट को आगे फ्यूजन होने से रोक सकते हो। तो इसको आप यू कैन से अर्ली स्टेज ऑल्सो, शुरुआत का स्टेज बोल सकते हो इसको। दूसरा है कि पेशेंट थोड़ा लेट आता है मतलब कि 2-3 साल हो गए तो शायद उनके एक्सरे पे फाइंडिंग मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं रेडियोलॉजिकल एसपीए। आपको एक्सरे में चेंजेस मिल रहे हैं मतलब कि कुछ तो ऐसे इरोजन हो चुके हैं या हो रहा है स्क्लेरोसिस, तो ये बीच वाला स्टेज है। लास्ट स्टेज जो है तो पेशेंट काफी कम दिखते हैं आजकल बिकॉज ऑफ अभी जो वी आर डूइंग सच प्रोग्राम सपोर्टिव ग्रुप्स है, तो अवेयरनेस के कारण एडवांस एएस मतलब कि बम्बू स्पाइन आपने एक्सरे किया और तो दूर से बोल दो आपकी इनको बम्बू स्पाइन हो गया, एएस हो गया मतलब कि एकदम पूरा जुड़ गया है, यू कैन से लाइक बम्बू जैसा स्पाइन हो गया है, तो दिस इज एडवांस एएस, ये लास्ट स्टेज है। तो दीज आर द स्टेज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन एंड एक्सरे फाइंडिंग। तो दूसरा काम करते हैं हम कि कौन से स्टेज में है। तो ये जस्ट एक फिगर है दिखा रहा है कि शुरुआत होती है बैक पेन की, उसके 7 से 8 साल बाद एवरेज देखा जाए तो अगर हम एक्सरे, तो बैक पेन 7-8 साल बाद एक्सरे पे चेंजेस देता है। तो अगर हम एक्सरे पे बैठे रहें कि एक्सरे पे चेंजेस आए तब दवाई शुरू करें तो 7 से 8 साल निकल जाएंगे। इसलिए अगर आपको सस्पिशन है कि बैक पेन इन्फ्लेमेटरी है तो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं एमआरआई इसके चेंजेस पकड़ लेगा, इवन जो एक्सरे पे नहीं है वो भी एमआरआई पे आ जाएगा। तो एमआरआई आपका बीमारी पकड़ लेगा इवन इफ यू आर इन अर्ली स्टेज, एंड लेटर स्टेज में तो जब हो जाएगा बम्बू स्पाइन तो एक्सरे आ ही जाने वाला है। दीज आर द बेसिक स्टेप ऑफ एएस। जब हमने कर दिया डायग्नोसिस कंफर्म, एक्सरे पे भी देख लिया कि कौन से स्टेज में है, उसके बाद हम देखते हैं कि बीमारी कितनी एक्टिव है, कितने लेवल पर डैमेज हुआ है। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम जान ले कि पेशेंट की बीमारी इतनी फैली हुई है तो उनका इलाज उस तरह से होगा। अगर मैं एग्जांपल दू तो भी हम सब जानते हैं कि डायबिटीज, जैसे डायबिटीज में जब पेशेंट नया नया होता है डायग्नोज, तो किसी की डायबिटीज वेट लॉस करने से, कसरत करने से, मीठा कम खाने से कंट्रोल हो जाती है, उनको कभी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह एएस में भी अर्ली स्टेज है तो जस्ट बाय डूइंग फिजियोथेरेपी पेशेंट का बैक पेन कंट्रोल हो सकता है। अगर बीमारी ज्यादा एक्टिव है जैसे डायबिटीज ज्यादा अनकंट्रोल है तो उनमें पेशेंट को लगते ही 3-4 गोलियां पर डे, उसी तरह एएस में भी अगर ये जो स्कोर दिखा है मैंने बैस मी बैश डाई एस डाई, ये स्कोर ज्यादा आते हैं जो हम ओपीडी में करते हैं, स्कोर ज्यादा है मतलब कि बीमारी फैली हुई है, उसमें पेशेंट को शायद 4 से 6 हफ्ते कोर्स करना पड़ता है मेडिसिन का विद फिजियोथेरापी। और तीसरा है कि डायबिटीज जब एकदम अनकंट्रोल हो तो आपके डॉक्टर देते हैं आपको इंसुलिन प्लस टैबलेट्स। उसी तरह अगर बीमारी बहुत फैली हुई है, पेशेंट लेके आए ऑलरेडी दवाइयाँ, तो उसके टाइम हम देते हैं नई मेडिकेशन जो आई है, जो अच्छी मेडिसिन है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल्स। तो इसके लिए हम करते हैं एक्टिविटी स्कोर आउटकम मेजर्स, बास डाई एस डास सोलन जॉइंट काउंट, ये सब सीआरपी इन्फ्लेमेटरी मार्कर। इससे हमको आइडिया आता है कि बीमारी कितनी फैली हुई है और पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ये हो गया अपना थर्ड स्टेज,
कि फाइंड आउट द एक्टिविटी और लेवल ऑफ इंफ्लेमेशन इन बॉडी। ये होने के बाद जब हम दवाई शुरू करें उससे पहले पेशेंट पूछता है हमको कि मेरा प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, मैं कितना जीऊंगा, मैं कब बेड पे आ जाऊंगा, मैं झुक जाऊंगा, मैंने लोग देखे है कि ऐसे चलते रहते हैं। तो उसका डिपेंड रहता है ये फैक्टर्स पे, जिसको बोलते हैं प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। ड्यूरेशन, अगर आप जल्दी आ गए हो, जल्दी मतलब कोई कट ऑफ नहीं है, मगर 6 महीने 1 साल के अंदर आप आ गए हो डॉक्टर के पास और आपकी बीमारी पकड़ में आ गई है, तो आपका ओवरऑल प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा, आपके फ्यूजन के चांस काफी कम हो जाएंगे अगर आप एडवाइस फॉलो करोगे। तो एक और मार्कर है कि अगर आपकी बीमारी शुरू हुई 16 साल से पहले, अगर चाइल्डहुड में आपका शुरू हुआ है तो उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा खराब रहता है। अगर एक्सरे पे फाइंडिंग मिल रहे हैं आपको, एक्सरे पे चेंजेस है तो फ्यूजन के चांसेस ज्यादा है, तो ये भी एक बैड मार्कर है। तीसरा है इन्फ्लेमेटरी मार्कर, जैसे ESR है, CRP है, अगर ये ज्यादा बढ़े हुए हैं तो दिखा रहा है कि बीमारी ज्यादा एक्टिव है, उसमें लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस खराब रहता है। एक होता है एक्सियल एसपी, मतलब कि आपकी रीढ़ की हड्डी या बटक के जॉइंट में असर आना, जो कॉमन होता है। दूसरा होता है पेरिफेरल, मतलब कि आपके स्पाइन से हटके जो जॉइंट्स हैं, जैसे नी है, एंकल है, एल्बो है, वो जॉइंट्स, हिप जॉइंट है, वो जॉइंट्स इन्वॉल्व हुए हैं तो आपका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस फर्क खराब रहता है। मतलब कि अगर आपको बैक पेन के साथ आपके रीढ़ की हड्डी से दूर वाले जॉइंट अफेक्ट हो रहे हैं तो उसमें प्रोग्नोसिस लॉन्ग टर्म थोड़ा खराब रहता है। तीसरा और फैक्टर है कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। लोग बोलते हैं कि एंकलोइड में सिर्फ बैक पेन होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको बैक पेन के अलावा भी एक आंख लाल हो रही है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंटेरियर यूवेटिस। इसके लिए सिंपल वर्ड है कि एक्यूट पेनफुल रेड आई। अगर किसी को एक आंख लाल हो के पेन कर रही है तो ये हो सकता है कि आपको AS का एक फाइंडिंग जो आपके अंदर आ रहा है तो उसमें आंख में होता है। दूसरा एक्स्ट्रा आर्टिकुलर होता है कि पेट में इंटेस्टाइन अतड़िया में सूजन आना, इसमें पेशेंट को दस्त हो जाएंगे, पेट में दर्द होगा, स्टूल में ब्लड जाएगा, तो इसको बोलते हैं एंट्रोपैथिक आर्थराइटिस, मतलब कि अतड़िया से जुड़ा हुआ बैक पेन। अगर ये सब चीजें हैं तो प्रोग्नोसिस थोड़ा खराब रहता है। स्मोकर, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उनका प्रोग्नोसिस डेफिनेटली खराब रहेगा। मेल फीमेल देखा जाए, मेल में एक्सरे फाइंडिंग थोड़े ज्यादा स्पीडली प्रोग्रेस करते हैं, मीन उनमें फ्यूजन जल्दी हो जाएगा। फीमेल में बीमारी लेट पकड़ में आती है बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, कि लोग मानते हैं कि AS सिर्फ पुरुष में होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, रेशियो ज्यादा है कि ये मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, मगर आजकल फीमेल में भी ये बीमारी दिखती है, मगर दे रिमेन्स अनडायग्नोज, इसीलिए उनमें थोड़ा लॉन्ग टर्म बैड रहता है प्रोग्नोसिस, क्योंकि दे रिमेन्स अनडायग्नोज। लास्ट वाला जो फैक्टर है, दैट इज डिजीज एक्टिविटी। बीमारी अगर आपका जो बात किया 4 का कट ऑफ है, 4 से ज्यादा है तो बीमारी ज्यादा एक्टिव है, 4 से कम है तो बीमारी उतनी एक्टिव नहीं है। जितना ज्यादा एक्टिविटी स्कोर उतना लॉन्ग टर्म आपका बीमारी रहेगा प्रोसीवियर। दीज आर द मार्कर विच हेल्प अस टू प्रोग्नोस्टिकेट कि फ्यूचर में पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स करेगा मेडिसिन से। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेज। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में मेनली 4 गोल होते हैं, अगर इसको फॉलो करे तो पेशेंट ठीक से पूरी लाइफ जी पाएगा। तो पहला है पेन रिलीफ, पेशेंट का पेन ठीक करना है हमको। दूसरी बात है कि जॉइंट का जो मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गया है उसको ठीक करना है और मेंटेन करना है, रेंज ऑफ मूवमेंट्स मेंटेन करना होता है। तीसरा होता है प्रिवेंट एंड ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन, मीन्स AS के पेशेंट में जैसे बताया कि एक आंख लाल हो सकती है, इंटेस्टाइन में अतड़ी में सूजन आ सकती है, अगर पेशेंट को AS हो चुका है, बंबू स्पाइन है, तो उनमें फ्रैक्चर के चांस रहते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, तो उसको भी रोकना होता है, हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो ये हमारा थर्ड गोल रहता है। और इसके बाद का जो गोल है वो बहुत जरूरी है कि पेशेंट जब AS के होते हैं वो 10-15 साल से, तो उनको वो एक सोशली या साइकोलॉजिकली थक जाते हैं। तो चौथा गोल है कि उनको सपोर्ट देना। तो दीज आर द मैनेजमेंट प्लान। अब सबसे पहला है कि पेन रिलीफ, उसमें हम यूज करते हैं एंसेट्स। लोग बोलते हैं कि मुझे दे दिया पेन किलर, पेन किलर खाता वो ठीक रहता है, मगर ये एक गलत बात है कि इनको बोलना पेन किलर। हाँ, दे आर पेन किलर, बट इसको बोलते हैं एंसेट्स, मतलब कि नॉन स्टीरोइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं इंफ्लेमेटरी बीमारी। इंफ्लेमेशन 5 चीजें होती है, पेन होता है, सूजन आती है, वो पार्ट लाल हो जाएगा, टच करने में पेन होगा, और वो जॉइंट का मूवमेंट पेनफुल हो जाएगा। ये 5 चीजें होती है इंफ्लेमेशन में, मगर जब आप ये एंसेट्स लेते हो ये 5ों चीजें कम होती है, मगर पेशेंट नोट करता है ओनली पेन, इसलिए उसको बोलते हैं पेन किलर।
एनसेड्स का काम है कि पूरी इन्फ्लेमेशन कम करना, नॉट नॉट ओनली पेन। तो अगर जब आप डॉक्टर देते हैं आपको ये एनसेड्स, तो ऐसा पेन के लिए खा के मत लो उसको, पूरा कोर्स कीजिए। इट्स एनसेड्स, वो आपकी बीमारी के लिए है, नॉट ओनली फॉर पेन किलर्स। दूसरा है कि रिस्टोर एंड मेंटेन मोबिलिटी, तो इसके लिए बेस्ट है फिजियोथेरापी। अगर आप कुछ करें ना करें, पेन किलर मान लो लेके छोड़ दिया, अगर आप कसर करते रहेंगे, एचपीए या एएस का पहला दवाई है फिजियोथेरापी। अगर आप रेगुलर फिजियो करेंगे, उसमें भी बैक एक्सटेंशन फिजियो, इसके लिए बेस्ट है हमारा सूर्य नमस्कार। अगर आपने सुबह 10 से उठना कर लिए, शाम को 10 कर लिए, तो आपको पेन के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जिंदगी नॉर्मल निकलेगी। तीसरा है प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए बीमारी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, इसे दो चीज आती है, एनसेड्स एंड फिजियोथेरापी। लास्ट वाला है कि कैसे सपोर्ट दे साइकोलॉजिकल और सोशल, इसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं इसके अंदर कि लाइफ कैसे चेंज होती है एएस के बाद। तो कोई बीमारी हो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करती है, मगर अगर हेल्थ का डेफिनेशन देखिए आप, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेल्थ की डेफिनेशन में आती है तीन चीजें, फिजिकली आप फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो। ये तीन चीजें, अगर आप एक में भी आपको दिक्कत है तो यू आर नॉट हेल्दी, आप अनहेल्दी हो। और एएस आपकी तीनों चीजें पे अफेक्ट करता है। पेन तो करेगा ही, आपका फिजिकल प्रॉब्लम होगा ही, मगर मेंटली भी आप थक जाओगे, पेन के साथ इंसान थक जाता है मेंटली। दूसरा आता है सोशल, इसमें बात करेंगे, मगर नीचे में लिखा है कि मोस्ट ऑफ एएस पेशेंट कैन हैव नॉर्मल लाइफ इफ दे अंडरस्टैंड द डिजीज। एएस पेशेंट के सब पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर वो ठीक से समझ जाए वो क्या करना है। तो एएस जो है वो पेशेंट पे देता है नेगेटिव इम्पैक्ट, मीन नेगेटिव इम्पैक्ट देता है काम पे भी और सोशल लाइफ पे भी। अगर आप ये जॉब करते हो, जो काम आपको खत्म करना है 15-20 मिनट में, उसमें आप लगाते हो एक घंटा बिकॉज ऑफ पेन, तो आपको वो वहाँ ऑफिस में आपको डांट पड़ने वाली है या आप थक जाओगे, फिर यार मैं इतना टाइम खा रहा हूँ, घर पे लेट पहुंच रहा हूँ। तो इसके कारण देखा जाएगा कि 3 times जॉब लॉस हो रही है नॉर्मल लोगों के कंपेयर में। एएस पेशेंट या जिनको स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस है वो लोग 3 times ज्यादा जॉब लॉस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा, एएस आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर अफेक्ट करता है, मतलब कि अगर आप घूमने गए दोस्तों के साथ, 10-15 लोग फ्रेंड्स बैठे हो चेयर पे, आप बोलोगे मुझे दुख रहा है मैं जाता हूँ, थोड़ा घर पे जाता हूँ, तो आप उनके पास टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ पेन। फैमिली फंक्शन है, आप बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, तो आप वहां टाइम नहीं दे पाओगे, इसलिए ये सब चीजें आपके अफेक्ट करती है आपके पर्सनल रिलेशन पे भी। दूसरा है आपका मूड खराब हो जाएगा। तीसरा है मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है इस कारण। और डिप्रेशन देखा गया डबल, एएस पेशेंट में डिप्रेशन कंपेयर टू नॉर्मल पर डबल रहता है। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ एएस ऑन लाइफ। तो दिस इज एग्जांपल, लोग बोलते हैं कि हम क्या करें एएस के लिए, तो उसके लिए मैं, जैसे कि हमने सुना कि एएस कॉमन रहता है पुरुषों में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है कि एंकाइलोजिंग वाली बीमारी इट्स लाइक योर वाइफ। अगर आपने अपनी वाइफ को ठीक से संभाल कर रखा, महीने में एक बार गिफ्ट दे दी, घुमाने ले गए, इग्नोर नहीं किया, तो आपकी लाइफ पूरा एकदम बना देगी स्वर्ग जैसा, बिल्कुल लाइफ ठीक जियोगे, आपके साथ रहेगी पूरी जिंदगी, कोई हार्म नहीं करेगी। तो एएस के लिए ये गिफ्ट और जो घुमाना है वो है एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन। ये दो दे रहे हो आप, एएस आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, आपके साथ बिल्कुल ठीक से रहेगा, आपको कोई नहीं देगा कॉम्प्लिकेशन। मगर अगर आपने इसको इग्नोर किया, मतलब कि कुछ गिफ्ट नहीं दिया, ऐसे गुस्सा करते रहते हो, घर पे बिठाए रहते हो, तो फिर ये हो जाएगा। इसको रोकने के लिए अपना तो आप देख लेना घर पे क्या करना है, मगर एएस के लिए फिजियोथेरापी और एनसेड्स दो चीज करोगे तो बिल्कुल ठीक रहोगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर धीरेन फॉर, आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा फ्लो ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट में तो आपने लाइफ की टिप दे दी कि ओवरऑल कैसे चीज़ों को क्या करना है। लेकिन एक डिस्क्लेमर डॉक्टर धीरेन और मेरी दोनों की तरफ से मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि कुछ भी करो, कोई भी आदमी रोज़ अपनी वाइफ को खुश नहीं रख सकता, तो एएस में भी ऐसा होने वाला है, और यू विल हैव कोई दिन आपका प्रॉब्लम वाला ज़रूर जाएगा थोड़ा टाइम, और बाद में वो ठीक भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर धीरेन सर ने बताया कि कैसे उनके पास पेशेंट जाता है, वहाँ से लेके ब्लड टेस्ट एक्सरेज वगैरह से लेके पूरा पेशेंट का फ्लो
ट्रीटमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो सर ने अच्छी तरह से बारी बारी एम्फोसाइज की है वो है अर्ली डायग्नोसिस। मतलब अगर आप टाइम पे बीमारी को हम डायग्नोस कर पाते हैं, नॉट नेसेसरी कि 3 महीने का पेन हो तो 3 महीने के 1 दिन के बाद हमने ये डायग्नोसिस कर लिया, लेकिन जितना बीमारी के स्टेज में हम जल्दी पकड़ सकते हैं बीमारी को, उतना हम बीमारी को जानेंगे और उतनी ही चीज़ें हम करेंगे जिससे ओवरऑल बीमारी हमारी कंट्रोल में रहे और द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी तरह से बनी रहे। सो थैंक यू धीरेन भाई फॉर दिस। और काफ़ी सारे छोटे मोटे क्वेश्चन से हम एक बार एक लेते जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी जैसे भी क्वेश्चन से पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन बाय एंड लार्ज आपने सर उसमें कवर कर ही लिए, फिर भी देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल अ फिजिशियन, मतलब फिजिशियन आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि मुझे AS है। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि उसके जो फीचर्स हैं, 3 महीने से ज़्यादा लोअर बैक में पेन है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है जो काम करने से ठीक होती है धीरे धीरे करके, लेकिन वो परसिस्टेंट रहती है, कम्प्लीटली जाती नहीं है, और कोई आपको कोई इंसिडेंस याद नहीं है कि कोई इंजरी या कोई चीज़ हुआ है जिसके कारण ये आपका पेन चालू हुआ है, और अगर कोई दूसरा कोई रिलेटेड दूसरी सिस्टम का प्रॉब्लम आया तो आपको AS होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपको इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है और एक्सपर्ट को कंसल्ट करके पहले डायग्नोसिस करवाना चाहिए। दूसरा, कौन सा मेडिकल हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है कि अगर मेरे फैमिली में ये हो तो मैं, मेरे बैक पेन में मुझे AS हो सकता है, उसका ध्यान रखूँ। धीरेन भाई बताएंगे प्लीज इसके बारे में। तो अगर आपके फादर में या उनके ग्रैंडफादर किसी को पूछा गए कि वो झुक गए थे या बैक पेन की हिस्ट्री उनमें थी, तो आपने चांसेस है कि आपको ये हो सकता है। अगर आप अपना HRA करवाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, दिखा रहा है कि ये बीमारी आपके फैमिली में आ रही है। मगर HRA पॉजिटिव हो गया और आपको बीमारी होगा ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे कि HRA जितनों को पॉजिटिव है उसमें से सिर्फ 2% को पेशेंट को ही होता है AS, 100 में से 2 लोग को ही होगा। मगर अगर आपको HRA पॉजिटिव आया है और आपके पेरेंट्स में किसी को AS था तो आप में वो चांसेस बढ़ जाते हैं और हो जाते हैं 50%। सो मतलब जैसे धीरेन सर ने बताया कि HLA पॉजिटिव होने से आपको AS है ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं है, उसमें से HLA पॉजिटिव विदाउट सिम्टम्स है तो उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपको भी सिम्टम है और HLA पॉजिटिव आता है तो उसके मायने बिल्कुल बढ़ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट पेन। डॉक्टर दवाई तो देंगे लेकिन व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रीट पेन, पेन को ठीक कैसे किया जाए। पेन को ठीक करने के लिए मैंने जैसे बताया बेस्ट है फिजियोथेरापी। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इन्फ्लामेशन में जॉइंट के अंदर होती है सूजन, वो जो जॉइंट में सूजन होती है पानी होते हैं वो काम करता है गुंदर का, इट्स लाइक ग्लू, उसको हिलाओगा नहीं तो हड्डियां जुड़ जाएगी। इसलिए इसमें इफ यू कीप डूइंग मूवमेंट्स, अगर स्पाइन को हिलाते रहोगे इसके लिए बेस्ट है सूर्य नमस्कार, तो वो पानी पूरा बाहर आ जाएगा, सूख जाएगा और आपको इवन जिस एनसेड्स या पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन को ठीक करने के लिए बेस्ट है सूर्य नमस्कार, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। ओके, तो मतलब जितना एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से एक बार सीखने के बाद करेंगे तो वो आपको जरूर लंबे अरसे तक फायदा देने वाला है। फाइन, अच्छा खाने पीने से कोई कनेक्शन, खाने पीने से कोई फायदा नुकसान इस बीमारी में हो सकता है धीरेन सर? खाने से ऐसा सीधा कोई रिलेशन नहीं है, मगर अगर आपको जैसे समझा है कि एंट्रोपेसिक आर्थराइटिस कि पेट में इंटेस्टाइन में साथ जुड़ा हुआ बैक पेन है, उसमें आपके जो होते हैं पेट के डॉक्टर गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट वो जो बोलते हैं वो खाना अवॉइड करना है। मगर हाँ, इन AS पेशेंट वी एडवाइज हेल्दी फूड, मतलब कि आपको सॉल्टी या शुगर वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, मीन अवॉइड करना है, जंक फूड नहीं खाना है। तो इन AS पेशेंट यूजुअली एडवाइज हेल्दी फूड जिसके कारण वेट ना बढ़े। आप ठीक से कसरत कर पाओ, मतलब हेल्दी खाना जिसमें नमक और शुगर कम हो। बिल्कुल, सो मतलब अल्टीमेट आइडिया तो यही करना है कि आपका वजन बढ़ेगा तो काफी सारे प्रॉब्लम और भी बढ़ेंगे और दूसरे जॉइंट में भी वो प्रेशर करना शुरू हो जाएगा, तो बैक के साथ दूसरे पेन भी हो सकते हैं। तीन ऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, वजन आइडियल आदर्श मेंटेन करने का ट्राई करना है और जैसे सर ने बताया एक्सरसाइज करना है। ठीक है, बढ़िया। एक सर और क्वेश्चन है कि कितना रेगुलर फॉलोअप
मेरे रूमेटोलॉजिस्ट के पास करना ज़रूरी है? मतलब साल में 4 बार, साल में 3 बार, महीने में 1 बार, कितना फॉलोअप ज़रूरी होता है एएस के पेशेंट्स में? ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी कंट्रोल में आ चुकी है। अगर पेशेंट का हम जो स्कोर किया है काफी ज्यादा था, हमने ऐसे इंजेक्शन दिए हैं कि जिसपे हमें देखना पड़ता है कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उसमें हम मंथली बुलाते हैं। इनिशियली 2-3 विजिट इट्स मंथली, देन वी कॉल 3 मंथली। बिल्कुल ठीक हो गया है तो इवन 6 मंथ ही ओके। मतलब ये डिसीजन लेंगे आपके रूमेटोलॉजिस्ट। पेशेंट बोला आना 1 महीने बाद, वो आते हैं 6 महीने बाद, दवाई लेते रहते हैं, बोलते किडनी खराब हो गया, लिवर। हमको देखना पड़ता है कि दवाई की साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए इनिशियली फॉर 1 मंथली एंड देन वी मेक इट 3 मंथली और इवन समटाइम्स 6 मंथली। तो जैसे जैसे मतलब ट्रीटमेंट का रिस्पांस आता है एंड डॉक्टर इज रीअश्योर्ड कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम है, तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना कम हो जाता है। लेकिन जैसे आपने बताया कि शुरुआत में जाना ज़रूरी है, दवाई का एडजस्टमेंट भी है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं या ध्यान भी रखना होता है, तो वो ज़रूरी है। और जैसे सर ने बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि दवाइयाँ लेनी ज़रूरी है, तो दवाइयाँ काम कर रही है लेकिन उसके साथ में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो एक्सपर्ट से जानना बहुत ज़रूरी है। फाइन, एक और क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ स्ट्रिक्टली नहीं करनी है, मतलब कोई मूवमेंट स्पेसिफिकली अवॉइड करनी है या कोई एक्टिविटी नहीं करनी है एएस के पेशेंट्स को? एज पेशेंट्स में एक ही ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, मतलब कि जो धक्के मुक्के वाली गेम्स है, उससे दूर रहना है। बाकी आपको फिजियोथेरेपी, आपके जो स्पाइन है वो देयर वल्नरेबल फॉर फ्रैक्चर, फिजियो करना है, मूवमेंट करना है, रेंज ऑफ मूवमेंट। मगर अगर आप टकराते हो किसी गेम में, धक्के मुक्के करते हो, उसमें चांस है कि वहां पे आपको क्रैक हो जाए, बिकॉज हड्डी आपकी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो फिजियोथेरेपी में इम्पैक्ट वाली जो भी एक्टिविटीज है वो अवॉइड करनी है, और हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है। जिम में जाना है, वहां जाके रेंज ऑफ मूवमेंट्स करना है, मगर हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है। तो मतलब धीरे धीरे आप अपना स्ट्रेंथ बढ़ा के ग्रेजुअली जाना है। सडनली एक दिन सुबह में जिम में जाके फिर सडनली चालू कर दिया, तो वो एक बिल्कुल रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे सर ने बताया कि फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा है। सर, एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि नई नई थेरेपीज़ एएस में जुड़ रही हैं, दिस इज़ मॉडिफाइंग एजेंट्स जिसको हम बोलते हैं, और ऑब्वियसली चीज़ें जब नई होती है तब तो उनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है। तो कितने परसेंटेज पेशेंट्स में ये डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स की ज़रूरत है, और कोई अगर अफोर्ड नहीं कर पाता तो डू वी हैव ऑप्शन, हमारे पास और कोई रास्ते हैं इसके? एएस में तो अच्छी बात है कि उसमें शुरुआत में फिजियोथेरेपी और एनसीएड से काम हो जाता है। सेकेंड स्टेज भी आते हैं, इधर यू स्टार्ट इस डीमार्ट्स और बायोलॉजिकल्स। डीमार्ट्स में जो हो गया सल्फा सलाजिन है, समटाइम वी गिव मिथोटेक्सेट, तो जो तो अफोर्डिंग होते हैं। यस, महंगे वाले हैं दैट इज बायोलॉजिकल्स, इसको बोलते हैं एंटी टीएनएफ, नए आए हैं एंटी IL-17। तो ये दो चीजें पहले बहुत महंगी थी, और जब इंडियन फार्मा कंपनी मार्केट में आई है उसके बाद इनकी कॉस्ट काफी कम हो गई। पहले जो 20-25 हजार के इंजेक्शन थे, वो कम होके 8-10 हजार मिल जाते हैं। तो अभी काफी कम हो गया कॉस्ट, पहले की बात अलग थी। अभी काफी कंपनी आ गई है मार्केट में, इंडियन कंपनी, तो उसकी कॉस्ट कम हो गई है। तो पेशेंट को देना है तो इसके ऊपर जा सकते हैं, उतना अभी उतना महंगा नहीं है। और जैसे हर बार हर एक ड्रग में होता है, कोई चीज़ जब नया होता है तो इनिशियली उसका कॉस्ट, क्योंकि वो रिसर्च वगैरह के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जब टाइम जाता है और ज़्यादा पेशेंट उसको लेते हैं, ऑब्वियसली वो कॉस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जैसे सर ने बताया कि मेजोरिटी केसेस में, एडवांस केसेस में, अगर वो जो स्पेशल ड्रग होती है वो कभी कभार थोड़ा बहुत कंसर्न होता है, अदरवाइज बाकी काफ़ी सारे पेशेंट में कॉस्ट कंसर्न नहीं होता। बढ़िया। ये जो दवाइयाँ हैं सर, लंबे अरसे तक दी जाती हैं, जैसे आपने बताया NSAIDs हैं या ये मेथोट्रेक्सेट वगैरह है, कोई साइड इफेक्ट से डरना है या कोई चीज़ का स्पेसिफिक ध्यान रखना है जो पेशेंट ले रहा है उसको? बिल्कुल, कोई मेडिसिन ऐसे नहीं होती कि जिसकी साइड इफेक्ट ना हो। मगर अगर आप ध्यान रखें, जैसे कि फॉलोअप में बुलाया है आपको कि ब्लड टेस्ट करके आना है, सबको करके आना है। वी चेक मंथली, 2 महीने चेक, किडनी लीवर हम खास चेक करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन, ये 3 है चीजें जहाँ पे इसका आ सकता है साइड इफेक्ट, तो हम चेक करते रहते हैं। पर इनिशियली जो होना है होता है, अगर 3 महीने पे ठीक लग रहा है पेशेंट को, तो फिर उसके जो होते हैं साइड इफेक्ट, वो चांस बहुत काफी कम हो जाते हैं। मगर फिर भी एक ही एडवाइस है कि जब भी बोला जाए अपने ब्लड टेस्ट रेगुलर किया करो, क्योंकि हम लोग बाहर से चेक कर सकते हैं ज्वाइंट कैसे है, मगर अंदर जो ब्लड में क्या हो रहा है उसके लिए तो हमको ब्लड टेस्ट ही चाहिए देखने के लिए क्या हो रही साइड इफेक्ट। राइट, तो जब भी, इसलिए ये भी रेगुलर फॉलोअप करने का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है कि आप जाएंगे और टेस्ट वगैरह रेगुलर होंगे तो पता चलेगा कि सारी चीज़ें बराबर है। अच्छी बात है। सर,
कितने पेशेंट्स में समझ ले कि ऑपरेशन या सर्जरी करने की बात आती है कि जॉइंट इतने फ्यूज हो गए हैं कि मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है और ऑपरेशन के बगैर चारा नहीं है, उतना ऐसा स्टेज कब आता है और अंदाजन 100 में से अगर हम पकड़े तो कितने पेशेंट्स में ये नौबत आ सकती है? भी इसका जो एग्जैक्ट बताना कि कितना परसेंटेज जरूर पड़ती है वो डिफिकल्ट है। पेशेंट भी कम है, डायग्नोस होते कम केस पेशेंट, उसमें से कि कितनों को सर्जरी हुआ है, मान लो 100 में हुआ है कितनों कैसा रिस्पॉन्स रहा, ऐसा स्टडी देखना पड़ता है। तो जरूरत तभी पड़ती है जब आपको बम्बू स्पाइन हो गया है, उसमें अगर आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज है वो आपको इफेक्ट कर रही है, मतलब आप अपना काम नहीं कर पाते, घर का रूटीन वर्क जो है, अपना जो पर्सनल काम जो है वो नहीं कर पाते हो, तभी जो ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन के बारे में लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा वो बोलना डिफिकल्ट है। मगर अगर आपकी बीमारी से पहले, ऑपरेशन से पहले बीमारी कंट्रोल में है और तो उस टाइम वी डिस्कस, स्पाइन सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं और रिमेटोलॉजिस्ट पेशेंट, तीनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, ऑपरेशन बहुत कम होते हैं, इसलिए इसका कैसा रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट, उनका कितना फैला हुआ है और बाकी फैक्टर्स काफी है। ओके तो मतलब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार एएस हुआ है तो मान लो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ऑपरेशन करने की नौबत आएगी, इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। फाइन पेनीडम धीरेन सर, हमारे पास क्वेश्चंस तो अभी नहीं है, ऑलरेडी हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं। एक 2 मिनट में टेक होम मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें एएस के पेशेंट्स को, क्या देंगे सर? तो पहला मेरा मैसेज है कि नो योर बैक पेन, जानिए कि बैक पेन कौन सा इन्फ्लामेटरी है और कौन सा मैकेनिकल है। 45 से पहले हो रहा है बैक पेन, सुबह सुबह कमर अकड़ रही है, रात को दर्द से उठना पड़ता है, 3 महीने हो गए हैं, तो ये इन्फ्लामेटरी बैक पेन है, गो एंड मीट योर डॉक्टर। दूसरा है, फीमेल्स में भी ये बीमारी होती है, डोंट इग्नोर फीमेल, उनमें ये बीमारी होती है। तीसरा मैसेज है HLA-B27 को ज्यादा वजन बेटे मत दो, वो एक जिन है जो हो सकता है पॉजिटिव, उससे बीमारी होनी होनी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूर। और अगला मैसेज है कि ड्यूरेशन, जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी जितना शुरू होगा और कैन प्रिवेंट फ्यूजन एंड एएस। लास्ट मैसेज मेरा है, जैसे आप अपनी वाइफ को संभालते हो बिल्कुल उसी तरह फिजियोथेरापी एंड एनसीएस करते रहिए, चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर धीरेन भाई, आपने इतना बढ़िया तरीके से सम अप कर दिया है सर कि क्या चीज़ को कैसे देखना है। तो सबसे मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक होम थिंग जो सर ने बताया कि आपके बैकएक को जानो, मुझे हर बार होता रहता है पेन, चलेगा आज जाऊंगा कल जाऊंगा, तो मतलब सबसे पहले चीज़ आपके बैकएक को इग्नोर मत करिए, और जब भी लगता है कि रूटीन ट्रीटमेंट से बैकएक ठीक नहीं हो रहा है तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेके उसका पूरा इवेल्युएशन करना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट आपने करवा लिया और आपको ये बीमारी है ऐसा मान के बैठने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अगर एएस मान लो है तो भी एएस के साथ काफ़ी बढ़िया लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अचीव की जाती है। जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने एक जेंटलमैन को मिले थे, उनको काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि उनको एएस है, 2-3 बार रेड आई होने के बाद, फिर भी आज ही इज अ लीडिंग बिजनेसमैन, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा बढ़िया तरीके से वो बिजनेस अपना काम चला रहे हैं। तो एक तो डरना नहीं है, और जैसे अंतर्ध्वनि जैसे सपोर्ट ग्रुप ऑलवेज है जो एएस होने के बाद पेशेंट का हैंड होल्डिंग करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आई होप कि आज हमारा जो प्रोग्राम और जो मैसेज देने का एक अटेम्प्ट था कि बैक पेन को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको मैनेज कैसे किया जाए और कैसे स्पेशलिस्ट के पास टाइम पे जाना ज़रूरी है, और उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होंगी बैक मतलब क्या क्या इवेल्यूशन कैसे होता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब हम लोग सॉल्व कर पाए हैं। सो दर्शक मित्रों, मैं आपका भी तहे दिल से आभार करना चाहूँगा, और डॉक्टर धीरेन सर की आपने भी अच्छी तरह से टाइम स्पेंड किया। अब संडे है तो जैसे सर ने एक और टिप और भी दिया है कि आपकी वाइफ और फैमिली के साथ घूमने जाओ, तो नाउ दिस इज द टाइम कि ईएस को तो आपने मैनेज कर लिया, फैमिली को भी अच्छी तरह से मैनेज करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय। थैंक यू प्रज्ञेश सर, थैंक यू धीरेन सर, बाय एवरीवन, हैव अ हैप्पी वीकेंड, थैंक यू।